दोस्तों, कुछ पहले एक खबर पढ़ी थी कि जर्मनी दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है जहां हाइड्रोजन फ्यूल सेल से ट्रेन चलेगी। ऐसा ही कुछ रिसर्च और ट्रायल पोलैंड में भी होने की खबर आ रही है। हाइड्रोजन फ्यूल सबसे क्लीन फ्यूल कहलाता है, जिसमें कार्बन फुटप्रिंट भी नेगजिबल होता है और आपको डीजल या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं रहती ट्रेन चलाने के लिए, जो किसी भी रेलवे सिस्टम को हर साल सैकड़ों करोड़ की बचत करा सकता है। मैं सोच रहा था भारत में ये टेक्नोलॉजी या मास्टर माइंडसेट आने में ही 10 से 15 साल लग जाएंगे, लेकिन यहाँ मैं गलत साबित हुआ। बड़ी खबर यह है कि भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फ्यूल पर काम करना शुरू कर दिया है। अगर सब सही रहा तो हम दुनिया में दूसरे या तीसरे देश होंगे जहाँ हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन होगी। इंडियन रेलवे ने बिड्स इन्वाइट की है, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स को आमंत्रित किया गया है। डीजल से चलने वाली ट्रेन में हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगाने के लिए, साथ ही इन ट्रेन में सोलर पैनल्स भी लगे होंगे। ये प्रोजेक्ट अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। सोनीपत जिंद सेक्शंस की 2 डेमियो ट्रेन्स का चुनाव किया गया है, इनमें ये सिस्टम लगाया जाएगा। सोलर पैनल से बनने वाली बिजली द्वारा पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन अलग किया जाएगा और फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम द्वारा एनर्जी जनरेट करके ट्रेन चलाई जाएगी। बाद में धीरे धीरे सभी डीजल ट्रेन को हाइड्रोजन फ्यूल पर माइग्रेट किया जाएगा। मात्र इन 2 ट्रेनों को हाइड्रोजन से चलाने पर साल के 2 से 3 करोड़ रुपए की फ्यूल बिल की बचत होगी। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, हमारे पास हजारों ट्रेन हैं, सभी में ये सिस्टम लगेगा तो कितनी करोड़ों रुपए की बचत होगी। ऊपर से इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से कार्बन फुटप्रिंट्स भी 11 किलो टन पर एनम कम होगा। अगर इसे समूची इंडियन रेलवे में लगा दिया जाए तो समझिए कितना प्रदूषण हमेशा के लिए कम हो जाएगा। इसके अलावा भारत दुनिया में अकेला देश है जहां 1000 से ज़्यादा रेलवे स्टेशंस को पूरी तरह से सोलर पावर्ड बनाया जा चुका है और 2030 तक भारतीय रेलवे के सभी स्टेशन सोलर पावर्ड होंगे। इसके अलावा 50 के लगभग ट्रेन्स को भी सोलर पावर से चलाने के लिए काम किया जा रहा है। यह वही इंडियन रेलवे है जो कुछ साल पहले तक रेल मंत्री के राज में नई ट्रेन शुरू करने की घोषणा तक सीमित हुआ करती थी। आए दिन एक्सीडेंट की खबरें और हर साल हजारों मौत हुआ करती थी। बदबू से शराबोर रेलवे प्लेटफॉर्म, गंदगी से भरी हुई ट्रेन की पटरियां, सने हुए टॉयलेट्स और हुआ करता था। आज ये सब कुछ बदल चुका है। अब रेल मंत्री कौन है, कौन से प्रदेश से है, किसी को नहीं पता। आज बात होती है तेजस की, बुलेट की, विस्टाडोम की, अत्याधुनिक डेमो की। वहीं पिछले 2 साल में इंडियन रेलवे एक्सीडेंट फ्री रहा है, एक भी मौत नहीं हुई। देश में एक भी क्रॉसिंग अब तक कंट्रोल बैरियर से नहीं है। उन क्रॉसिंग पर हर साल हजारों मारे जाते थे, अब कोई नहीं मरता। प्लेटफॉर्म्स और स्टेशंस की सफाई वर्ल्ड क्लास है। हर ट्रेन में बायो टॉयलेट लग चुका है, जिससे ना सिर्फ टॉयलेट साफ रहता है बल्कि पटरियां भी चौसक रहती है। सुविधाएं बढ़ गई है, वही इनोवेशंस पर काम चल रहा है। सोलर और हाइड्रोजन जैसी टेक्नोलॉजी अपनाने में भारत दुनिया में सबसे आगे है। और फिर कुछ दिलजले आते हैं और हाथ हिला हिला कर कहते हैं कुछ नहीं बदला 7 सालों में। ऐसे लोगों के लिए सरकार को रतौंधी, कट्राडिस्ट और मोतियाबिंद का इलाज फ्री कर देना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए नए अपडेट्स के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।